आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाहु गरीबन मन फकरा। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश। अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो? माय गॉड, दुल्हा साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफजदा। इस्लाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफजदा। मैं हूँ मुशारे फारूकी। नाज़रीन, हमारे माशरे में जादू और जिन्नात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा केसेस हमें रिपोर्ट आजकल होते हैं कि फ़लाने ने किसी पे जादू कर दिया या फ़लाने पे चीज़ों का असरात हैं। घर आसिफजदा भी होते हैं लेकिन उसमें एक शख्स पे स्पेसिफ़िकली कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी को कुछ ऐसे मामलात नज़र आते हैं, उसी को डर लगता है और बाकी जो घर वाले हैं वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि ये इस पे कुछ ऐसे मामलात हैं। बहुत से केसेस में जब हम उसको देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसमें मोस्टली वो यही कहते हैं कि मेडिकली हम लोगों ने चेकअप भी करवा लिया है लेकिन अभी तक वो मामलात ऐसे ही हैं। तो आज भी हम नाज़रीन अंदरून लाहौर में वाक़ एक ऐसे ही फैमिली के घर पर मौजूद हैं जहाँ पर भी यही मामलात हैं। वहाँ पर एक मोहतरमा है जिनकी तरफ हम मौजूद हैं, उनकी फैमिली भी यहाँ मौजूद है, उन पे भी इसी किस्म के मामलात हैं जो हम अक्सर करते रहे हैं। तो आमिर कादरी साहब भी हमारे साथ स्पेशली आज मौजूद हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनकी हेल्प आउट लेंगे जिस तरह पहले आमिर साहब हमारी हेल्प आउट करते रहते हैं। तो आमिर साहब को बुलाते हैं तो उनसे जानते हैं कि ये सारे मामलात क्या। आमिर साहब आइएगा प्लीज़, माइक दीजिएगा। आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आमिर साहब? जिस तरह पहले भी हम लोग इसी हवाले से हम इन्वेस्टिगेशन शो करते रहे हैं, आज जिस फैमिली ने हमें बुलाया वो उनका ज़िक्र जादू की तरफ नहीं जा रहा, उनका यही है कि तंगी है, प्रॉब्लम्स हैं और कुछ जिन्नात के मामलात हैं। ठीक है, तो आमिर साहब आजकल मुझे ये बताइएगा कि जादू होना या किसी पे हाज़िरी होना, इसमें कितना फ़र्क है या दोनों सेम चीज़ें हैं? ये थोड़ा सा देखने वालों के लिए थोड़ा बता दें कि एक जब जिन्नात किसी पे आता है क्या वो जादू के ज़रिए भी भिजवाया जा सकता है या जादू एक अलग चीज़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशारिब, उसमें ऐसा है कि जादू और जिन्नात ये दो अलग किस्में हैं। ठीक है, जादू किया जाता है, ओके, करवाया जाता है। अच्छा, और जादू के ज़रिए ही कुछ चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ताला के बेशुमार मखलूक है वो भिजवाई भी जाती है, जिसको कहते हैं जी छोड़ी गई है। okay. उसमें जिन्नात भी शामिल है बीच में। अच्छा, अब देखना ये पड़ेगा कि इनके ऊपर जादू के ज़रिए भिजवाई गई हैं चीज़ें, ठीक है, छोड़े गए हैं या अलहदा से कुछ जिन्नात इनके साथ छोड़े गए हैं, राइट, या कोई हटके हटके जिन्नात खुद इनके ऊपर है, बगोल इनके इनके ऊपर जिन्नात है। तो जिन्नात जब होते हैं तो उसकी दो वजूहात होती है, या तो जो फैमिली या वो जो पेशेंट होता है, मुतासर शख्स क्या लें, मुतासर औरत खवातीन क्या लें, उनमें से वो या जिस घर में रह रही हो बचपन से, ओके, तो वहाँ से कोई चीज़ पहले से मौजूद हो। अच्छा, कोई फैमिली, जैसे ये फैमिली रह रही है वो फैमिली भी रह रही है, या कोई एक अदा रह रहा हो, ठीक है, तो वो उनके साथ अटैच हो जाए, बचपन से एक उनसियत हो जाती है बंदे को ना, किसी इंसान को इंसान के साथ, किसी जानवर को, तो वो भी अटैच हो जाता है, तो ये तो फिर महलूक है। या उसमें ये होता है कि उस घर में को अगर वो कोई महलूक नहीं मौजूद, कोई साथ मौजूद है, साथ वाले घर में कोई राह गुजर है उसका, गुजर तो वो गुजर तो गुजरे वहाँ उस बच्चे पे या बच्ची पे, उस पर आ जाए, एक मोहब्बत हो जाए, प्यार है, दोस्ती के नाते, ठीक है, खेलना शुरू कर दे बचपन, आता था जवानी हो जाए, तो वो एक चीज होता है। यही सारी चीज़ें हम लोग कोशिश होती है कि हम इन्वेस्टिगेशन शो जो हम आम रूटीन में करते हैं उससे हट के जब फैमिलीज हमें बुलाती हैं और इनवाइट करती हैं तो आप तक जो भी मामला था वो लेकर आएं। तो अब उन मोहतरमा की जानिब मैं चलता हूं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उन पे क्या मामला था। दूसरा, आमिर साहब आज हम थोड़ा सा जिस तरह वो हाथ पे हम
प्रोसीजर बनाते हैं उससे थोड़ा सा हटके हाजिरी की कोशिश करेंगे? देखें, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम हाथ वाला ही करें। अगर तो उनके साथ कोई अटैचमेंट किसी जिन्नात की, इस तरह के मखलूक की, कोशिश करेंगे हाँ उसकी, तो फिर वो नहीं होगा, फिर डायरेक्ट हम उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, हमें सर माइक दीजिएगा। आइए नाज़रीन उनके तरफ चलते हैं, उनकी वालदा भी यहाँ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा थोड़ा सा बताइएगा कि ये सारा मामला जो आपके साथ हैं ये कब से शुरू हुए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारी कॉल करने पर आप आए। जी ये मामला तभी से शुरू हैं जब से शादी की एज हुई तो रिश्ते देखने शुरू किए। ठीक है। रिश्ते वाले रिश्ता देख के जाते थे लेकिन कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझते थे। उसके बाद से ही हमने इस बात पे गौर करनी शुरू की कि आखिर क्या मामला है, क्या मसला है। सिंपली रिजेक्शन दे देते थे या नहीं, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते थे। अच्छा, कुछ ऐसा भी हुआ कि आपको भी पसंद नहीं आ रहे थे या आगे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आई? नहीं, आगे से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है ठीक है। काफी देर जी, तो उसके अलावा रिश्ते के अलावा कभी आपने कोई चीज देखी हो या कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तबीयत खराब हुई थी, मेडिकली चेकअप कराया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है। कुछ टाइम होता रहा है, 5-6 साल के पेन वगैरह होती थी पेंडस वाली जगह पे। ठीक है। तो मेडिकल में नहीं क्लियर हो रही थी। अच्छा, क्लियर आ रही थी। तो जब वो ज्यादा मजीद होने लगी तो रूहानी राज की तरफ गए, किसी ने हमसे कहा कि आप चेक करवाएं कि आखिर ये मेडिकल से क्यों नहीं ठीक है, ठीक हो रही। तो कितना आपने चेक कराया पहले रूहानी? जी, वो फर्स्ट टाइम जब चेक करवाया उन्होंने अपना सारा प्रोसेस जो है वो किया। क्या किया था उन्होंने? वो कुछ अंडे वगैरह थे और बड़ी इलायची जो होती हैं। अच्छा। उन पे कुछ उन्होंने अपना अमल किया तो उसमें से अंडे में से निकले थे काले धागे में बंधे हुए 5 कांटे नहीं होते आपके सामने के। सारा निकला था ये? जी। अच्छा, तो वो सारी चीजें बाहर आई थी। उसके बाद मुझे उस जगह पे पेन नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, 5 कांटे ही थे काले धागे में बंधे हुए। काले धागे एक नक्श उन्होंने कोई निकाला था, वो बड़ी इलायची में से था। ठीक है। उन्होंने इलाज नहीं फिर किया? नहीं, वो बस उसी चीज का था जो मुझे पेन होती थी एक मखसूस जगह पे। अच्छा, वो मेरा प्रॉब्लम जो है वो हल हो गया। ओके, ओके। उसके बाद हम रिश्ते की तरफ जब आए तो रिश्ते के हवाले से मसाइल आ रही है। जी ठीक है। इनका जो मेन मौकफ, जो मेन प्रॉब्लम इनको फेस हो रही है नाज़रीन, वो भी इसी पे है कि इन पे इनका रिश्ता में रुकावट रही है, शादी नहीं हो रही। ठीक है, तो हमें सब इसको हम किस तरह आगे, ये जो बता रहे हैं कि रिश्ते के वाले से, तो वो तो जादू की तरफ जा रहा है। हाँ, ठीक है, वो जादू की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो जो जिन्नात का जिक्र हो रहा है, कुछ चीज़ें आती हैं वो पहले कोशिश करते हैं, वो सबसे पहले हम वो है या नहीं है। हो सकता है वो आ जाए हमारे लिए, डिफरेंट दोनों ही है ना, वो अभी करने से पता चलेगा ना, हम करें कोशिश करेंगे, अगर है तो हम उसको बुलाएं। राइट, ठीक है। अगर कुछ आता है तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो ये वाली जो अलामत है वो फिर बाद में देखी जा सकती है कि जादू है तो किसने करवाया, कौन कौन इसमें मुलव्वस है और क्यों करवाया और कब से करवाया, उसके बाद इसका सलूशन है, हल है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे। अगर वो भी चीज़ आए तो फिर उसका भी हल करेंगे इंशाल्लाह ताला, इनकी जाँच छुड़वाएंगे और वो भी करेंगे। जी अनाज़ ने, ये आपके सामने इन मौसम की इजाज़त से हम सारा प्रोसीजर कर रहे हैं और इनकी बेहतरी के लिए हम जो हेल्प आउट कर सकेंगे इंशाल्लाह करेंगे। अभी आमिर साहब उस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आज हम कोशिश करेंगे कि अगर इन पे वाकई कोई ऐसा मखलूक इनके साथ अटैच्ड है तो वो हाज़िर हो सके, तो हम हाज़िरी की जानिब चलेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। नाक से
जूम 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 आप भी ऊपर ध्यान करो जरा शाबाश शाबाश जरा ऊपर ध्यान कर भाई शाबाश ऊपर ध्यान करो गुस्सा आ रहा है चल कर लग गुस्सा नहीं करने का कोई गल आ दे आ दे आ दे नहीं चाप चाप आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा चल मेरा बच्चा ऊपर शाबाश अख चक पा के रखनी आ गया इधर उधर नहीं देना इधर गुस्सा आ रहा गुस्सा चढ़ रहा खुशी हो रही है चाहते क्या हो चाहते क्यों बताओ हम कुछ नहीं कहने आए बताओ क्यों इसके साथ कब से इसके साथ हो कदों तो तेरे नाल है बचपन तो नाल है हाँ चाहते क्यों की चाहते हैं तुम बचपन तो तेरे नाल है क्या किडिंग सी है बच्ची वो तो तेरे बच्ची होएगी तो तू भी बच्चा ही होएगा क्या ये भी बच्चे ही है तू चाहते क्या हो अच्छा दस ये शादी हुई सी पहले वो खराब हो गई सी वो खुद ही या तू की सी मैं शादी खराब तू करवाई सी तलाक जड़ी हुई सी वो भी तू कराई सी अच्छा मुझे मैं दस की ना तेरा की आशिक ते ना मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है गैर मुस्लिम है कहाँ से आए हो कितों का रहना लाती जंगल दा किधर केड़े जंगल दा जंगल जंगल तो ते नाल है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਸ਼ਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਘਬਰਾ ਨਾਜ਼ਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਸੇ ਇਸਾ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮੇ ਬਤਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਓ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਕਿਓ ਵੋ ਬਤਾਓ ਇਸਕੋ ਆਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਆਨੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ शाबाश चल आ गया कुछ नहीं कहते हूँ तू आ गया तेरे कहने से तेनों भी कुछ नहीं कहते क्या मेरा बच्चा दस क्यों तंग कर रहा है चाहते क्या हो ये बताओ की चाहना इस बच्ची को अच्छी लगती है बच्ची अच्छे लगने ना कोई अच्छा लगता है सब अच्छे भी लगते हैं मकसद है अपनी किसी को तंग करना शुरू कर दे तू देख यदि शादी हुई तू तलाक दवाती दूसरी शादी हुई तू उसे तलाक दवाती हूँ लिया घर बिठा ली कद ऐसे बिठाया घर मेरा बच्चा तू दस अपने वास्ते अपने ते तू तो गैर मुस्लिम है तू तेरी तेरे शादी नहीं हो सकती ते जे तू करेगा ते ही तेनु होन दवा असि ते नहीं होन दवा खत्म कर दूंगा जैसे कि तू ए काम करन ते नहीं दवांगे नहीं मुसलमान है इंसान है तू एक जिन है जिन ते इंसान च फर्क है गा तू इंसाना दी बादी चा के इंसान नु तंग करेगा ते केडी बुरी गल ढाडी बादी च जाके किसी इंसान ने कभी किसी नु तंग कीता नहीं ना कीता ढाडी बादी जाके ते बच्चे तू क्यों त्याग कर तंग कर रहे एनु हो तू छड़ना या नहीं छड़ना ये खत्म करने नहीं छड़ना वजह दस दे क्यों नहीं छड़ना नहीं
करना की है नाल क्यों नहीं छोड़ना बचपन दे नाल है गए एदे नाल ही रहना एदे नाल ही रहना वजह दस दे के मैं वजह की दे नाल रहना मरेगी ते छड़ांगा ते ओ ते फिर नहीं होन दवांगे सी ते कोई गल नहीं चल हां खुश हो रहा तेरा आखरी टाइम हां मिस तो पानी दें पानी दें ग्लास में पानी ले पानी ले पानी बन बहुत तकलीफ हो रही है मुझे चले जाओ छोड़ दो इसे गॉड यार उफ बहुत शिद्दत थी उस मखलूक की बहुत शिद्दत थी और वो जाने का नाम और ऊपर से खातून को नाज़िन जो तकलीफ पहुंची है बचपन से इसके साथ था तो जब किसी के साथ कोई भी अटैच हो जाए ना तो एक उम्र गुजर जाए अभी वो हटा दो कैमरा वो कैसे जाएगा या तो वो प्यार से जाएगा जो उसने जाना नहीं थोड़ी देर बाहर आ जाऊं को भी थोड़ा सा हां जी आ जाओ बाहर हटा दे इधर जनाजर अभी रिसेंटली जो मामला सारा आपने देखा है हाजिरी का वो आपके सामने है और उस पर काफ़ी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हुई है पहले तो हम थोड़ा सा इनसे जानेंगे आप ठीक हैं मोहतरमा आप कैसे महसूस कर रही हैं पहले और अब के बेहतर पहले से बेहतर हैं जी ठीक है अभी हम इनसे ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि अभी रिसेंटली मामला हुआ अब बात यह है कि हम ये जो इन्होंने जादू का जिक्र किया था हमसे कि जादू भी है तो हम वो तो प्रोसेस हो गया अब हम जाएंगे प्रोसेस की तरफ जादू की तरफ जादू है कि नहीं अब उसके साथ तो हमने जो बातचीत होनी थी वो तो अब उसको हम इंशाल्लाह था अब इसके ऊपर अपनी बहन के ऊपर आने नहीं देंगे अब डायरेक्ट जाएंगे जादू है या नहीं है ठीक है ये जादू के जरिए भेजा गया था ये आशिक नाम का जिन या खुद से आया वो एक जो इन पे जिन भेजा गया है जो इनके साथ अटैच्ड है वो तो सामने हो गया सारा उसने तो यही बताया ना कि मैं बचपन से साथ हूँ उसने यही बताया बिल्कुल अब हम ये देखेंगे बचपन से साथ है या ये जादू के जरिए आया हाँ वो झूठ भी बोल सकते डेफिनेटली ठीक है झूठ बोल तो अभी वो देख लेते हैं लेकिन जो अभी हम लोगों ने पहले हाजिरी का केस किया उससे हटके जो हम लोग रूटीन में आमिर साहब अपना करते हैं प्रोसीजर वो उस जानिब जा रहे हैं उसमें देखेंगे कि क्या वाकई बचपन से अगर इन पे कोई
वो चीज़ अटैच थी या किसी ने भेजा गया था बचपन से ही, तो वो सामने आ जाएगा। वो उस प्रोसीजर की तरफ हम चलते हैं, फिर एंड पे हम इसको कंक्लूड करेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट क्या इसका कंक्लूजन है और इनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो आइए उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। जनाब उस प्रोसीजर की तरफ जाने लगे हैं और देखते हैं कि क्या इसमें नज़र आता है। आप लोग भी साथ साथ देखिएगा और लेट्स सी हम जिस मकसद के लिए आए हैं। ये तो मुर्दा नज़र आ रहा है, हड्डियाँ मुर्दे जी, ढांचा भयानक किस्म का। खड़ा है, लेटा हुआ है, जमीन पे है या किस क्या सिचुएशन बताएं जरा। बैठा है जैसे दीवार के साथ टेक लगाए कोई चीज बैठी होती है। अच्छा, वैसे ये ढांचा बैठा होगा टेक लगा के। भयानक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। इंसानी ढांचा है या गैर इंसानी ढांचा है? गैर इंसानी मखलूक का ढांचा है। ये ऊपर राइट पे आ रहा है ना, कॉर्नर पे? जी जी, ऊपर वाली साइड। हाँ जी अम्मा जी, ये उत्ते देखो ना जी बेटा। हाँ हाँ, कॉर्नर तो देखो, वहाँ आ रही है जी जी। हाँ जी, ठीक हो गया जी 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 जी। उसके अलावा देखिएगा नाज़रीन, आप राइट साइड पे ऊपर देख सकते हैं कि एक खोपड़ी या कोई ढांचा नुमा कोई चीज मौजूद आ रही है, लेकिन इसके ऊपर गोश्त नहीं है। लेकिन गोश्त नहीं है, सर के ऊपर भी गोश्त नहीं है इसके। ठीक है, ये ढांचा है सिर्फ। लाइट की छत की तरफ काटते हैं, लाइट छत की तरफ काटते हैं। हां, हड्डियां आपको कुछ और नजर अगर आ रहा है। शक्ल ए मोड़ा ए छाती सी ना नजर आ रहा है ना दूसरी को, ए एथो तक हाथ थे ए तक। ठीक है, अच्छा ये इसके नीचे कुछ है यहाँ पे? नहीं, ठीक है, कोई चीज नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ अपने सेंटर में भी देखना है और उप सेंटर से ऊपर भी देखना है, कुछ है? हाँ, या नहीं है, क्या है? है। गौर नाल देख, चेहरा चेहरा इंसान, बड़े बाल। हाँ जी, बंदे दा, औरत दा, मर्द दा, मर्द दा है कोई 45 साल दा। फोन प्लीज आगे लाइए, बड़े ने ते बाल जेड़े ने ना उड़े ने, यानी के जिस तरह के कंघी नहीं कीती हुंदी, हाथ मार करदा उड़े ने। खातून सी भी लग रही मुझे, मगर नहीं मर्द दा चेहरा। अच्छा ठीक है, मर्द दा है, मर्द दा। ठीक है, आपको औरत लग रही है? भयानक औरत लग रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये मर्द जो लग रहा है कितनी एज का लग रहा है, कितनी उम्र का लग रहा है? लगता है 45-50 साल का। 45-50 साल का, तो देखिया लगता है? नहीं, कभी नहीं देखिया। नहीं, जरा थोड़ा गौर करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिश्तेदारों च नहीं? अच्छा ठीक है, कोई है ही नहीं है। अच्छा, आपको खातून लगी है? अच्छा, आप जो देख रहे हैं मुझे आप बताए आप क्या देख रहे हैं? ये जो नीचे चीज बनी है बालों वाली, ये आपको खातून लग रही है या मर्द लग रहा है? आपकी तबीयत ठीक है? ये क्या लग रहा है आपको, औरत है या मर्द है? अभी मुझे कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, वो असल में उनकी तबीयत तो। हाँ वो तबीयत पहले उन्होंने बताया उन्होंने भाई कि उनको औरत लग रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कंधों तक? हाँ, मोढ़ियाँ तक? हाँ, मोढ़ियाँ तक। अच्छा, ये यहाँ देखे कुछ है इस कोने में? ये भी है कुछ है, कोई चीज़। अच्छा, एक और ना देख, तेरी नजर तेज है, मेरी नजर कमजोर है। वाली टॉर्च, हां अब देखिए मेरा हाथ खड़ी है, कोई इसके हाथ में कोई जानवर है? कुछ जानवर है हाथ में इसके? हां, पहले नहीं देखा हुआ ऐसा जानवर। औरत कितनी की उसकी गर्दन नहीं आ रही, नीचे वाला हिस्सा है, सर नहीं है। औरत का सर नहीं है, सर के बगैर है ये। सर के बगैर औरत है?
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मारी सर तो बगैर औरत है, बिल्कुल एक नंगी है। इसके आगे कुछ है? अच्छा ठीक, अब दोबारा आएगा उस पे, फर्स्ट पे आएगा जो चीज। अच्छा यहाँ पे आ जाए, दोबारा चेक करें, मौजूद है यहाँ पे? बिल्कुल है, ये ढांचा मौजूद है, बिल्कुल है वैसा ही है जैसे पहले देखा। सेंटर में वो खातून वो भी है, ठीक है मौजूद है, ठीक है। अब सब इसमें बगैर सर वाली भी है, ठीक है इसमें, ठीक है इसको हम करते हैं, इस पर डिस्कशन फिर हम करते हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब है तो ताकि ये देखिए बंद हो गया। जी नाज़रीन, अभी आपके सामने हमने आज का जो रिकॉर्डिंग की है उसमें हमारी कोशिश हमेशा की तरह रही है कि हम लोग फैमिलीज़ की हेल्प आउट करें। तो आज हम अगर बात करें इन फैमिली की, तो पहले तो हाज़िरी हुई है, उसके बाद वो प्रोसीजर जो किया उसमें भी चीज़ें नज़र आई हैं। तो आमिर साहब थोड़ा सा आप बताते चलें कि जो चीज़ें इनके साथ अटैच्ड हैं और नज़र आई हैं, पहले तो वो एक आशिक नामी आई थिंक वो जो जिन था, ठीक है वो, और बाकी जादू भी अटैच्ड है, जिन भी है, फिर आगे उसका आगे जो हम खात्मा है वो भी थोड़ा बता देंगे उसके लिए क्या। अच्छा मैं मुशारिफ आपको ये बात बताऊं कि जादू की तरह हम जा रहे थे, ठीक है, लेकिन जादू इनके ऊपर नहीं है, नहीं है जादू नहीं है। अच्छा इनके साथ एक तो जिन है, हाँ वो आशिक नामी जिन, ओके, जो आया था, ओके। सेकंड अल्लाह तआला की ना बेशुमार मखलूक है, कुछ बोलने वाली है कुछ बोलने वाली नहीं है, वो अपना एहसास दिलाती है कि मैं मौजूद हूँ। मिसाल के तौर पे कंधे भारी हो गए, जिसम भारी उसने कर दिया, सर पकड़ लिया, वो बताती है कि मैं मौजूद हूँ, अपनी मौजूदगी के साथ दिलाती है, वो बोल नहीं सकती, पावर नहीं है, जिसमें पावर होती है वही बोलती है। आशिक जीन पावर वाला था, आया उसने बताया मैं हूँ, और कब से था वो भी उसने बताया, बचपन से साथ था वो। अब हम उसके बाद हम चले गए जादू की तरफ, जो उन्होंने जिक्र किया कि जादू भी हमें लगता है कि किसी ने बताया था। अब बताने में और देखने में बड़ा फर्क है, हम प्रोसेस में गए देखने के लिए कि जादू है, ठीक है अगर है तो किसने किया, तो जादू की जगह एक ढांचा आ गया, हाँ। बगैर गोश्त के हड्डियों वाला था, वो एक टेक लगा के बैठा हुआ, उनके बगलों ने भी देखा, सामने देखा, वैसे वैसे नाज़रीन भी देख रहे साथ साथ हमारे। तो मैं ये कह रहा था जादू के हवाले से ना इनके ऊपर जादू नहीं है, इनके साथ महलूक है, वो ढांचा आ गया, ढांचे के साथ आधे सर कटे सर वाली औरत भी आ गई, एक सेंटर में बंदे एक वो अपनी शक्लें चेंज कर रहा था, वो औरत भी लग रही थी मुझे, वो एक औरत ही बिल्ड होफनाक डोली सी थी, ठीक है, और एक वो साथ मर्द की शक्ल में भी आ गया, बाल उजड़े हुए हैं उसके, अजीबोगरीब से हैं जैसे महलूक के होते हैं। वो अभी समझते हैं कि वो जो आशिक जिन है उसके साथ जो बाकी खानदान है या कोई और मखलूक है वो साथ वो शो हुई है, अटैच्ड हुई है, वो अटैच है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आमिर साहब मुझे देखने वालों के लिए भी और हमारे लिए भी और जो इन फैमिली जो है उनके लिए भी इसका तोड़ जो सबसे मेन सवाल होता है कि अभी अगर आशिक जिन को आपने उसको अपने गिरफ्त में किया है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कितने दिन लग सकते हैं, और क्या अक्सर ये हो जाता है, ये सुनने में भी आता है, आप भी केसेस डील करते हैं उसमें ये आता है कि जब एक बार चीज़ को ख़त्म कर दिया है या जादू को ख़त्म कर दिया है वो दोबारा कोई और भी करवा देता है, या मैं भी जादू की बात नहीं कर रहा, वो चीज़ अगर हम उसको तोड़ कर देते हैं तो उसी आशिक जिन का कोई जिन्नात के कबीले हैं जिन्नात के और हैं तो क्या दोबारा तो नहीं ऐसा कुछ हो सकता, वो भी बता दीजिए। देखें उसमें ये है कि अगर तो कबीला होता तो फिर वो एक आशिक जिन ने नहीं आता, कई आशिक जिन ने आ जाते, बेशुकी फैमिली मेरे को बहन भाई वो भी उसका भी पता चलना था, वो नहीं है ये जहाँ से इसके साथ जुड़ा है ना, जहाँ से अटैच हुआ है इस बच्ची के साथ, ठीक है वो एक ही था, वो जहाँ जहाँ ये जाते रहे वो साथ साथ जाता रहे, अकेला ही आता रहे, अकेला ही यहाँ भी हाजिर हुआ, अकेला वजह उसके साथ और कोई नहीं है, ठीक है। सेकंड अब इसके निकल इस ये हमारे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में, इसको कवर कर लिया, अब पूछे कैसे, कैसे। और एक और सवाल भी है, वो कहता है कि मैंने इसको पीछा नहीं छोड़ना, मैं आशिक हूँ, जी जी मैं वही बताने को मैंने सवाल के पूछे कैसे 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 कैसे। तो कैसे का जवाब ये है कि जब हम प्रोसेस में जाते ना इस वाले प्रोसेस में, तो जो चीज़ होती है ना जब हमारे ताबिया नहीं होती तो वो फौरन अपना आप दोबारा फिर आती है। अच्छा क्योंकि जब हम प्रोसेस करते हैं ना पढ़ाई करते हैं तो उसको फिर खींच के हम ले जाते हैं, पढ़ाई ले जाती है खींच के उसको, तो ये नहीं आया, हमने उससे पहले कहा था कि अब हम इसको नहीं आने देंगे, नहीं आने देने से मुराद ये है कि ये हमारी गिरफ्त में है कंट्रोल में, हम कंट्रोल से अपने छोड़ेंगे तो ये आएगा, अदरवाइज खात्मा अगर इस चीज का, अभी इसका खात्मा नहीं हुआ अभी, तो हमने ये देखना है क्या क्या था, तो आशिक जी ने रोक दिया, रोक लिया, कवर कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ना आए, ना आने से मुराद ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं आया। दूसरा हमने ये देखा इसके साथ और क्या है, वो
कटे सर वाली औरत भी आ गई, असरात भी आ गए, वो चीजें महलूक आ गई, वो भी अटैच। अब हम इसके जाएंगे हल्के जाने पर, ठीक है, हम उससे बात करेंगे प्यार से, अगर वो प्यार से मान जाएगा तो हम किसी की जान लेने वाले हम कौन होते हैं किसी की जान ले, अगर जान लेनी और देनी अल्लाह ताला के इख्तियार में, हम कोशिश करेंगे अगर तो वो अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो फिर उसके मुतबादले हम देखेंगे हमने क्या इसका करना है, लेकिन यहाँ से इनकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह ताला। मतलब अभी रोक दिया आपने, अभी इसको रोक के हमने कवर कर लिया, अभी हम करेंगे उससे बात कि भाई प्यार से जाओगे या जूते खा के जाओगे, दूसरे तो मैं ये कह रहा हूँ। ठीक हो गया नाज़रीन, ये आपके सामने आज का प्रोग्राम था, आमिर साहब की हेल्प आउट हम पहले भी लेते रहे हैं, हमारे साथ एज ए टीम हम काम कर रहे हैं। आज का मेरे लिए हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि पहले तो हम जादू के ज़्यादा के हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन आज हमें भी आई थिंक इल्म में नहीं था कि हाज़री हो जाएगी या इस तरह, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट लग रहा था, अच्छा लग रहा था आपको, जब मैं हूं गर्म, हाँ, लग रहा था, क्योंकि आंखें लालो लाल होगी जब हाज़री हुई है काफ़ी अर्से बाद, गर्म आग की तरह हो गया था, हीट अप हो गया था जब वो आया, क्योंकि जब हाज़री हुई है मैं सारा देख रहा था, आमिर साहब क्योंकि सारा कर रहे थे तो मैं बातचीत मैंने कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर में थी, और एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैं खुद हो गया था कि यार काफ़ी तकलीफ़ में है वो खातून, तो अब उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो नाज़रीन अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अगर आपके इलम में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो असेफ ज़्यादा है, या कोई ऐसा पेशेंट है जो आप समझते हैं कि उन पे ऐसे मामले आते हैं, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो अभी तक के लिए टीम असेफ ज़्यादा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह।